तो शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव से जमीन मांग ली है। जमीन मांगने के पीछे क्या वजह है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्ष ठाकुर। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के सीएम के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने आने वाली बीजेपी की सरकार को शुभकामनाएं दी, साथ ही उन्होंने कई सारे बातें कही। लेकिन इस बीच शिवराज सिंह चौहान का एक बयान जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर कहा कि वो सरकार से अनुरोध करेंगे कि उनको सरकारी ज़मीन जो है वो दी जाए, ताकि पौधारोपण का जो काम शिवराज सिंह चौहान करते हैं वो उसे जारी रख सके। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण के लिए सरकार से ज़मीन मांगी है। मैंने देखिए मुख्यमंत्री जी से एक मांग की, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो कहने के लिए नहीं है, करने के लिए है, और धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक बनी रहने देना है, इसलिए मैं रोज पेड़ लगाता हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दे, क्योंकि पेड़ मुझे घर पे इतने लगा नहीं सकता मैं रोज, तो मुझे सरकारी जमीन पर ही लगाने होंगे, और उसके लिए जमीन उपलब्ध भी हो और पेड़ ऐसी जगह लगे कि सुरक्षित रहे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दें, उसके लिए जगह मुझे मिलती रहे, ताकि इस काम को मैं जारी रख सकूं। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी हम पैदा करते रहेंगे निरंतर। देखिए, शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण प्रेमी हैं, वो अक्सर पौधे लगाते हैं, पौधारोपण करते हैं, वो हर रोज़ लगातार पौधारोपण करते नज़र आए हैं। वहीं अब शिवराज सिंह चौहान ने ये मांग की है कि वो सरकार से ज़मीन, उनको सरकार ज़मीन दे, ताकि वो अपने पौधारोपण के काम को रोज़ जारी रख सके। ये देखना होगा कि क्या वाकई में प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान को ज़मीन मुहैया कराती है, और कैसे आने वाले वक्त में शिवराज जो हैं वो अपने पौधारोपण के काम को जारी रखते हैं या नहीं रखते हैं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।